असी इकट्ठ करांगे अमृतसर गुरुद्वारे। साडा प्रोग्राम बनया 5000 बंदा इकट्ठा करेगा, पर मेरे हिसाब मुताबक किसान बदलगे, क्यों मेरी आपदी जथेबंदी वसनीक है, जिदा नहीं बंदे वध आउणगे, 7000 तक इकट्ठ हो जाणा हैगा। तो रखना असी शांतमई, जिहड़ा प्रोग्राम है गवर्नर दे हाउस तक जाण दा हैगा, शांतमई प्रोग्राम जाण दा हैगा। जिथे दिल्ली इकट्ठ वधाया जाना चाहिए सी, तां दुबारा पंजाब च जां अपने अपने सूबे च इकट्ठ वधाउणा लगता नहीं भी कितें ना कितें अंदोलन नूं फर्क पऊगा? जिहड़े जिन्ने साडे उन्होंने बारियां बजी हुई हैं, जिन्हें दिल्ली जाना बारी बज के लोग जाते हैं, किसी पिंड चो 5 किसी 7 किसी 10 उम जगुर तुरे जाते हैं। जिहड़े इत्थे इत्थे रहिंदे ने कुछ बंदे मतलब घट हरकत दे विच ने, उन्हां नूं सरगर्म कराया जांदा। 26 जनवरी जो चीज़ा होईयां सी लगता नहीं वैत की भी होणगीयां? हुण कल वाली 26 हजे तक तो सानू कोई बिड़क किसी पासे मिली नहीं भी कुछ कर रहा है। जे कोई ये करूगा मत के एजेंसियां करनगियां तां बड़े, मैं एक थोड़े राही जरूर कहना, हरियाणे का कोई इधर ना किसान आवे अमृतसर, ना कोई लीडर आवे किसी जथेबंदी का, वो हरियाणे को जाए तो साडा पंजाब वाला ना किसान जाए उधर कोई, तो ना कोई साडा लीडर जाए। तो दीप सिद्धू नाल जां लखे सिधाणे नाल भी इन्हां दी कोई गलबात हैगी शमूलियत करनगे? नहीं, साडी गलबात कोई नहीं हुई। जे कोई आऊगा, कोई आने तो किसी को इनकार नहीं आ सकता है, मूहे साड़ी लीडरशिप लगेगी, कोई होर बंदा मूहे नहीं लगेगा मगर साढ़े किसान हो गए। बैठक ना होने का लांभा किसे सिर, तुहाडे सिर जां प्रधानमंत्री सिर? सानू उन्होंने कहा एक काल पूरा फोन नंबर नहीं सानू दिता, असी चिट्ठी भी कढ़ती। हुण जे तोवर बयान दिंदा है कहिंदा भी आउण आउण भी रात नू, पर वो मंगा छड्ड के आउण। सानू मतलब सरकार बहा के रखेगी आने आप यूपी दे वोटां तक 22 तक, तो यूपी बारे साडा तय हो गया, यूपी जिहदा पतीला सी मां जी देवांगे जिवें बंगाल च मन जाएगा। ठीक है ना, गल ठीक कहने हो भी सियासी लीडर नूं पिंडां च ना वड़ दित्ता जाए, तुहाडे आपदे नेता सियासी लीडर नाल बैठकां करदे ने? हिरक दा मूल अधिकार है भी इन्हां ने साडा काम नहीं करिया उहदा विरोध करना, उहनूं काले झंडे दिखाउणा, उहदे खिलाफ नारे लाउणा। पर संयुक्त मोर्चे का कोई प्रोग्राम नहीं, किसी कपड़े पाड़ दो, कोई प्रोग्राम नहीं, किसी कुटमार करो, साडा कोई नहीं। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं सुरखाव। दोस्तों जेकर किसानी अंदोलन की गल करिए हर सूरज के नाल किसानी अंदोलन एक नवी दिन की पौड़ी चढ़ता है, एक नवे दिन के दाखिल होता है। लेकिन जो किसानी अंदोलन के संघर्ष को होर वड्डा तिखा करने की गल करते हैं तो 26 तरीक न हुण जिहड़ा कि एक नवा ऐलान है कि राजपाल दे घर तक जाया जाएगा, मंग पत्र दिते जाणगे। मेरे नाल रुदू सिंह मानसा ने, मानसा जी चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां प्रोग्राम कर रही ने, संघर्ष कर रही ने, की प्रोग्राम है जी उहदा? ये मेरा ख्याल है भी साड़ियां पिछलियां मीटिंगां च तय हो गया कि असीं 26 तरीक नूं नवें तों नवां प्रोग्राम दिंदेगे। ऐतकी पूरी बहस होकर तय होया सीगा भी सारे भारत दे विच गवर्नर राहीं राष्ट्रपति नूं याद पत्र भेजे जाण। ठीक है ना, गल इतें हरियाणे वाले अड्ड देणगे मंग पत्र, याद पत्र असी अड्ड देवे, असी इकट्ठ करांगे अमृतसर गुरुद्वारे। साडा प्रोग्राम बनया 5000 बंदा इकट्ठा करन दा, पर मेरे हिसाब मुताबक किसान बदलगे, क्यों मेरी आपदी जथेबंदी वसनीक है, जिदा नहीं बंदे वध आउणगे, 7000 तक इकट्ठ हो जाणा हैगा। तो रखना असी शांतमई, जिहड़ा प्रोग्राम है गवर्नर दे हाउस तक जाण दा हैगा, शांतमई प्रोग्राम जाण दा हैगा। प्रशासन मौके पर की सोचता, जाण दिंदा नहीं जाण दिंदा, वो मौके साडी लीडरशिप फैसला करेगी, उदों मौके पर की फैसला करेगी। तुसीं कह रहे हो कि चंडीगढ़ राजपाल जिहड़ा कि भवन तक जाना है, पर यह जिथे दिल्ली इकट्ठ वधाया जाना चाहिए सी, तां दुबारा पंजाब च जां अपने अपने सूबे च इकट्ठ वधाउणा लगता नहीं भी कितें ना कितें अंदोलन नूं फर्क पऊगा? नहीं, जिहड़े जिन्ने साडे उन्होंने बारियां बजी हुई हैं, जिन्हें दिल्ली जाना बारी बज के लोग जाते हैं, किसी पिंड चो 5 किसी 7 किसी 10 उम जगुर तुरे जाते हैं। जिहड़े इत्थे इत्थे रहिंदे ने कुछ बंदे मतलब घट हरकत दे विच ने, उन्हां नूं सरगर्म कराया जांदा। नाले कल्ला याद पत्र नहीं देवांगे, नाल दी नाल मोर्चे बारे भी उन्हां नूं समझावांगे भी उत्थे किन्ने बंदिआं दी लोड़ है, किन्ना होर अपने एक्शन करने ने, की करना हैगा, उन्हां नूं इक चार्ज करना बंदिआं नूं, तो एक आपदी नवा कोई कार्ड कढ के प्रोग्राम देना, यह साडा एक नवा प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नूं असीं कई आपदे मंग पत्र देते, एक करोड़ देश का राष्ट्रपति जिहड़ा हुंदा हैगा वो चौदह हुंदा है भी उहदे तक्कर साडा याद पत्र जाऊगा, वो मोदी नूं जगावे, ये एक साडा मैं मेरे हिसाब तक वधिया स्कीम है, एक लोट है। संसद मार्चला मुलतवी किया उस तो बाद इस प्रोग्राम पर आ गए, 26 जनवरी जो चीज़ा होईयां सी लगता नहीं वैतकी भी होणगीयां? नहीं, मेरा ख्याल है भी हजे तक तो नहीं सानू कोई भिणक पई भी कोई गड़बड़ करूगा, पर जे 26 पैगी सी 26 नूं तो एक दिन रात पहले ही पैगी थी,
जो उन्होंने स्टेज पर कब्जा कर लिया कार्रवाई नहीं की थी। नहीं असी कार्रवाई की करनी थी एक दिन आप बोल बुलारा कर दूजे दिन बंद करता उन्होंने उद्दीन का दोलन चली जाता महीने बाद असं प्रोग्राम दे देना ठीक है एको छब्बी रौला पे उदू बाद किसी ना जान वाले रौला पे ना दूजिया छब्बिया रौला पे है हुण कल वाली छब्बी हजे तक तो सानू कोई बिड़क किसी पासों मिली नहीं भी कुछ कर रहा है जे कोई करूगा मत के एजेंसियां करनगियां तो मरे मैं एक थोड़े राही जरूर कहना हरियाणे का कोई इधर ना किसान आए अमृतसर ना कोई लीडर आए किसी जथेबंद वो हरियाणे को जाए तो साडा पंजाब वाला ना किसान जाए उधर कोई तो ना कोई साडा लीडर जाए सारा कुछ साझा ही वो यह प्रोग्राम डोडी ने ये सारे भारत के बच्चे ने यह डोडी ने ऊ साडा प्रोग्राम साझा है जिमें आप कहें नहीं कि खेती कट्ठी है भी तू खाल कर ली तू भाई फलाने हल जोड़ ली तू अज चरी वढ़ ली वो डूडी प्रोग्राम है हरियाणे वाले भी है नहीं वो दोनों का मैं कदों कहना साडा कल्याण है वो आपके गवर्नर से जाएंगे असं आपके गवर्नर से जाव तो दीप सिद्धू नाल जां लखे सिधाणे नाल भी इन्हां दी कोई गलबात हैगी है शमूलीयत करनगे नहीं साडी गलबात कोई नहीं हुई जे कोई आऊगा कोई आने तो किसी को इनकार नहीं आ सकता है मूहे साड़ी लीडरशिप लगेगी कोई होर बंदा मूहे नहीं लगेगा मगर साढ़े किसान होंगे प्रोग्राम असं शांत रखा आने तो आप किसी ने कोई रोक सकता हरक ही दोलन का हमायती है हरक ही आसा हरक जमीन का मालक है दोलन का बिना जमीन वाले का दोलना है व्यापारियों का दोलना है आढ़तियों का दोलना है मजदूरों का दोलना है मुलाजमान का दोलना है 99% लोगों से मार पैनी है उन्होंने सरती है दोलन चल रहा है कल असं किसान नहीं चला रहे जो प्रशासन टकरा होया पुलिस ना टकरा होया फिर जे ना अगे जान दिता नहीं असी टकरा तो कोशिश करा नहीं टकरा होना नहीं चाहिए अज तक साढ़े लीडर का इतिहास है असं छेती छेती टकरा च नहीं आते साड़ी कोशिश अभी पूरा टकरा जे प्रशासन ही टकरा तैयार होया फिर प्रशासन की मर्जी है पर प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है साडा मौलिक अधिकार है असी आजाद देश के रहने गुलाम देश दे विच नहीं रहे फिर यह मतलब जो सानू जान नहीं देंदे तो मिनी एमरजेंसी लगी हुई है अंदर खाते फिर एमरजेंसी है लोगों को बाहर नहीं निकल दिता जाया फिर प्रधानमंत्री सिर लांबा होगा भी तैं लुकमी एमरजेंसी लाती लोगों को आजादी नहीं मिल रही फिर बैठक ना होने का लांबा किहदे सिर तुहाडे सिर जां प्रधानमंत्री सिर मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री सिर साढ़े सिर लांबा किवें होजूगा मतलब कदों भी सदन सद्या सानू असी उदी गए सानू उन्होंने कहा काल फोन नंबर नहीं सानू दिता असी चिट्ठी भी कढ़ती हुण जे तोवर बयान दिंदा कहिंदा भी आउण भी रात नूं पर वो मंगा छड के आउण भला हुण चिट्ठी च शर्त लिखी है ना वो कहिंदे चिट्ठी शर्तां लिख के तां गल करदे पए आ बिना शर्तां तों गल करन वो कहिंदे खेती कानूनां दे रद्द करन दे गल करोगे फिर असीं आवांगे नहीं हाँ हाँ असीं पिछे क्यों हटांगे ये पिछे हटण नूं तां मैं तुहाडे कोल कहिंदा दुल्हन हार जाणा चंगा है कुट खा गया जी चंगा है जेल च वग जाइए चंगा है ठीक है ना गल एक सूत पिछे हटना लोगों का नुकसान है कदों फिर डेडलॉक कर टूगा डायलॉग शुरू कदों होगा गलबात तो जरूरी है ना जे सरकार तक जे आपदियां मंगा मनाउणियां ने जे जित चाहिए है तो गलबात तो बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है मेरे हिसाब मुताबक मेरी आपकी निजी राय है संयुक्त मोर्चे की नहीं सानू मतलब सरकार बहा के रखेगी आने आप यूपी वोटों तक 22 तक तो यूपी बारे साडा तय हो गया यूपी जो पतीला असं मान जी देवे जिम्मे बंगाल से मन जाएगा ठीक है ना गल तो मैं दो गलों से एक जित प्राप्त कर ली है एक तो मोदी के अंदर फुट पाती जिहड़ा मोदी मूहरे कोई कुसकदा नहीं सीगा उहदे लीडर थल्ले बोलन डे रहे नेगे दूसरा मोदी नूं जिते खड़ा होया सी हराता दो जितां साडियां एदू वड्डी जित की होजूगी ठीक है ना गल ये हुण पैण दे वोटां यूपी दा हाँ पंजाब बारे असीं हजे फसे होए आं पंजाब बारे असीं कोई फैसला नहीं ले सके हजे अगलियां मीटिंगां बारे फैसला क्यों नहीं है भाजपा तो पंजाब च भी इलैक्शन लड़ रही है ना तुसीं कहिंदे हो भी सियासी लीडरां नूं पिंडां च ना वड़ दित्ता जावे तुहाडे आपदे नेता सियासी लीडरां नाल बैठकां करदे ने मेरी गल सुणो इलैक्शन लड़ना पिंडा च जाना हर एक दा मूलक अधिकार है वह भारतीय जनता पार्टी होवे अकाली होण वह कांग्रेसी होण आम होण हर एक दा मूलक अधिकार है भी इन्होंने साडा काम नहीं करिया उहदा विरोध करना उहनूं काले झंडे दिखाउणा उहदे खिलाफ़ नारे लाउणा पर संयुक्त मोर्चे का कोई प्रोग्राम नहीं किसी कपड़े पाड़ दो कोई प्रोग्राम नहीं किसी कुटमार करो साडा कोई हाँ असी जे कोई लोग गुस्से जाके करदे ने असं उन्होंने माड़ा भी नहीं कह सकते क्या ही है ना विरोध करो बढ़ना तो असी कहा भी मुर्दाबाद के नारे लाओ काले झंडे दिखाओ मतलब असी यह नहीं कहा भी कुटमार करो साडा संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला नहीं किसी कुटमार करना जे कोई लोग आपदे आप करते हैं वो लोगों की मर्जी है लोग अके हुए ने 70 साल के जिन्ना कांग्रेस ने नुकसान 70 साल से कराया मोदी ने 7 साल से करता वो सारे लोग सारे लीडरशिप तो लोग अके हुए ने जे लोग करते हैं हूँ सानू कहते हैं लोग लड़ रहे सड़कों पर कहें भी रात ही मेरी गल भी तुम निखेधी क्यों नहीं करते मैं गरियाना मेरी गरियाल बैठा थी कुछ मैं बैठा थी गलबात हुई मैं असं क्यों निखेधी करिए कहता मतलब मैं खाना बाकी गल सुना जी मैं कहता भी ऐ हो जो ऐ जी मैं अच्छे तो सूँ पता लगेगा वो मैं कहना मतलब भेड़ मगर रह गई जाली की
वह गारे चु गुड़ गई तो गिदड़ ने कहा मैं भेड़ खा ला मैं खा चार कर मैं मगर गुड़ गया वो कहता भेड़ अपने तो बड़ी हासी हुई वह कहती हासी तो हजे हो मेरा मालक आऊ मैनू कढ़ू तेरा सिर पड़ू मैं तुम वोटा च खड़े हो जे सोडिया इंदिरा गांधी मूँ जमानता ना लोगों ने जब्त कराइया मैंने रुदू ना जाने मैं कहा तुम खड़े कहो देखो वोटा च हज तो होगी सोडे हज तो सूँ पिंड काले झंडी दिखाने हज तो थोड़े मुर्दाबाद के नारे ही लाने जिदे थोड़ा सियासी तौर पर मतलब थोड़ा सफाया कर पता तो उदे लगू ना। आखिरी सवाल है किसान कोई फ्रंट खोलणगे सियासी का किसान आगू या फिर किसी होर सियासी फ्रंट को हमायत दे असी मेरा ख्याल है बिल्कुल ना पंजाब ही नहीं आते जे इतने इलेक्शन हुई जे साडा फैसला ना हो रुदू सिंह तो आता नहीं अच्छा तो मैं तो उत्थी रहूँगा बस रोना ही नहीं सारी सारी लीडरशिप आती टीवी वाला ऐलान कर रहे हैं तुम पंजाब नहीं वड़ते जेकर नहीं फैसला हाँ मैं आँगी नहीं मैं वोटा चाहते नहीं इतने नहीं आऊँगा थोड़े सामने कह के जाना गल नहीं आऊँगा विरोध भी नहीं करना ना जे मोर्चे ने फैसला कर रहे फलान का विरोध करना है फिर कहना आऊँगा जे मोर्चा फैसला करना तो भी आह पार्टियां का विरोध करना है फिर तो विरोध करना आऊँगा ऐं तो नहीं है पर यह नहीं आऊँगा मैं किसी की इलेक्शन में मदद करना आऊँगा ज मेरी पार्टी भी खड़ी मोदी मत कर मैं नहीं आऊँगा। सो हुण देखना यह है कि 26 का जो प्रोग्राम है वह किस तरीके का असर सरकार पर पाँदा है दबाव किमें पाँदा है तो खास तौर पर जो गल करते हैं कि डेडलॉक टुटता है डायलॉग शुरू होता है तो कि गल् विचार वटांदरे नाल विचारियां जांदियां ने कि किसानां जित हुंदी है जां नहीं। मैं सरकार अपने सहयोगी करन बसरा दे नाल रोजाना स्पोक्समैन चंडीगढ़।